अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और जी, आज सुबह सुबह का टाइम है और हम बनाने लगे हैं नाश्ते के लिए, बहुत मज़े की रेसिपी बनाने लगे हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और बाकी आपको बता दूं कि सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग परिंदों की आवाज़ें सुन रहे होंगे, ख़ास तौर पर काएं काएं। ये काएं काएं तब होती है जब नाश्ता तैयार हो रहा होता है, और ये उस नाश्ते पर आते हैं जो बाहर सेहन में बैठ के अक्सर घर में तैयार होता है। पहले हमारे भी होता था, लेकिन जब से ये गैस वाले चूल्हे आए हैं ना, वो सिस्टम ही तकरीबन खत्म हो गया है। हाँ, अम्माएं बैठती थी चूल्हों पे। हाँ जी, और साथ कवे भी बैठे होते थे, बाल बच्चे शोहर और सारा कुछ लेके बैठी होती थी, और कवे काए 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 ये जैसे अभी बोल रहा है। तो चूल्हे के गर्द बिल्ली भी साथ होती थी, पीछे करके बिल्ली भी होती थी, कुत्ता उसके पीछे बैठता था, कवे उसके साथ और कवे भी आगे पीछे बैठते थे, और नाश्ते की तैयारी हो रही होती थी, और कुत्ता बिल्ली तो लाजमी होता था ना, और बड़ी दोस्ती के साथ बैठते थे। हाँ, है शायद वो मोहब्बत थी। इसने नहीं देखा, इन बिचारों ने नहीं देखा। तो ये लाइफ बहुत जबरदस्त, बहुत मजे। और आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा, कितनी नवाज मेरी बीवी भी है। आप तो मुझे बड़े प्यार प्यार से बात कर रहे हो मेरे साथ। है इनकी पसंद की रेसिपी है, मुझे काफी कब से कह रहे थे, इनका बड़ा दिल था। ये ना अक्सर मैं बनाती इनको, मैं अक्सर कहता था यार बना दो, ये मुझे ट्रखा के कई महीने गुजार गई। हाँ, इनको ट्रखाना इसलिए पड़ा कि पहले मैं बनाती थी तो ये मुंह बना लेते थे, हाय अल्लाह मैं अभी, आप भी कल तो खाइए, परसों तो खाइए, चले मैंने आज सोचा कि आज बना ही देती हूँ, क्या याद करेंगे। वही कहते हैं ना कि प्यार भरा रास्ता मैदे में होता है, तो बाकी इनका जितना बड़ा मैदा होता है, मैदे तक ही रहना, मैदे से आगे ना उतरना कहीं। हाँ नहीं, हम दिल तक नहीं आते। हाँ, तो चलते हैं किचन में, ज्यादा वेट नहीं करवाते, आप लोगों को चीजें भी बताते हैं और रेसिपी का भी इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हम किचन तक आ गए, अंदर भी आ जाए, रेसिपी काफी सस्पेंस में है। ऐसी कौन सी रेसिपी है जो तसव्वुर काफी दिनों से फरमाइश कर रहे थे? जी, तो माशाल्लाह से कुछ कुछ समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि अक्सर घर में ये फरमाइश करके बनाई जाती है। तो अच्छा, नहीं, ये जो सवानियाँ हमारी सियानी खवातीन है ना, जो देख रही हैं इस रेसिपी को, उनको अभी कमेंट्स करके बताना पड़ेगा कि ये क्या है। हाँ, ऐसे 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 देख के उनको क्या लगता है कि क्या बनने वाला है। हाँ जी, होंगी कुछ हमारे पाकिस्तान में, सबको पता होगा। अच्छा, हाँ जी, सारी चीजें देख के। हाँ, मुझे आपको देख के तो लगता है कि नहीं पता होगा। मैं खुद ही कह दूंगी मनु नहीं पता। अच्छा जी, तो रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अभी मैंने आलू बॉयल किए थे ना, इनके टुकड़े कर लिए थे और इनके अंदर पानी के अंदर नमक डाला है। आप नमक लाजमी डाला करें, अगर आलू मीठे भी होंगे ना तो उनका टेस्ट वो नमकीन आना शुरू हो जाएगा और पराठे भी अच्छे बनेंगे। तो ये मेरे पास हैं 2 अदद आलू, तो इनको मैंने बॉयल कर लिया है, और इनको अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें डाल के इनको मैश कर लेंगे। तो इनमें चीज़ें भी आपको मैं बता दूँ, चीज़ें क्या क्या हैं। 2 आलू लिए हैं मैंने तकरीबन 3 से 4 पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए ये आलू लिए हैं। ये आधा कटा हुआ प्याज है, चॉप किया हुआ है, पीसना नहीं है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, आधा टमाटर है, ये मेरे पास धनिया है, उसके अलावा 2 सुर्ख मिर्चें हैं, ताज़ी मिर्चें जो होती हैं सुर्ख, वो लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास देखें साबित धनिया है, 1 चम्मच मेथी है, अगर ताज़ी मेथी है ना तो सुबहान अल्लाह। उसके अलावा काली मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है और सुर्ख मिर्चें हैं, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटे के पेड़े कर लिए हैं छोटे, तो ये 3 पराठों के पेड़े हैं। तो अब शुरू करते हैं, सबसे पहले ये मसाले शामिल करते हैं आलू के अंदर, ये देखें। और ये धनिया कैसे शामिल करनी है हमने, इसको हाथ पे लेना है, अच्छी तरह इसको ऐसे हाथ से क्रश करना करेंगे, प्याजों को डाल देंगे उठा के, इसी तरह सब्ज मिर्चे डाल देंगे, इसी नहीं है सारी चीज़ों को चॉप किया है, टमाटर डालेंगे, अगर आप लेमन जूस डालना चाहते हैं तो वो भी डालें, उससे भी ये बड़ा मज़े का टेस्ट होता है, धनिया डाल देंगे और ये सुर्ख मिर्चे डाल देंगे। अब इसको इसके साथ अच्छी तरह कर लेंगे। माशाल्लाह से मसाला ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास है मक्खन, तो ये मैं मक्खन ले रही हूँ यहाँ, लेकिन अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आपने घी यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, एक इस साइड पे डालेंगे, हाफ मसाले में मिक्स करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है, इससे बनाए बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। तो
चने दी। ये हो गया तैयार। ये मेरे पास है खुश्क आटा, छोटे छोटे जो पेड़े किए हुए थे इनको फैला लेंगे हाथ से ऐसे करके। ये देखिए दूसरे को भी। इस तरह अब इसमें रखेंगे हम ये मसाला। अब हमने इसके अंदर घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस ये मसाला रख देंगे। तो क्योंकि हम इसके अंदर मक्खन डाल चुके हैं जिससे ये पराठा बहुत ही खस्ता और नरम बनेगा। जितना आप लोगों को पसंद है, आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उसी हिसाब से मसाला आपने डाल देना है। तो इसके ऊपर मैं ये कर देती हूँ दूसरा हिस्सा। ये साइड पे कर देते हैं। हाथ से करना है इसको, डायरेक्ट बेलने से नहीं बेल देना। हाथ से करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और इसका मसाला भी बाहर नहीं निकलेगा। हम इस तरह इसको हाथ से करते रहेंगे, ये बड़ा भी होता रहेगा। इधर मैंने तवा गरम कर लिया है, वो हो रहा है। उसके बाद इसका इस पराठे को इस पर डालेंगे। तवा हमने एक दफा तेज आंच पे गरम कर लिया है, अब आंच को आहिस्ता कर देंगे। और ये जब तक आप अंदर मक्खन नहीं डालेंगे तो अंदर वाले आलू और ये चीजें नहीं पकेंगी, तो आपने अंदर मक्खन या घी जरूर लगाना है। इसकी मैंने साइडें चेंज कर दी हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। जब तक ये पकेगा हम दूसरा पराठा भी रेडी कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको पका लेती हूँ, फिर दूसरा पराठा रेडी करूँगी। तो इसकी मैंने साइड चेंज कर दी और ये किस तरह फूल रहा है आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसको मैं इस तरह करती हूँ और ये देखिए ये इसकी बैक साइड है पराठे की। तो दूसरी साइड पर भी मैंने देसी घी लगाया है, आप मक्खन या दूसरा डालडा घी यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, तो मैं ये बना लूं। ये देखें ये फूल रहा है, यही इसकी निशानी है कि इसके अंदर जो मसाला डाला है वो हमारा पक रहा है, अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। उसके अंदर जो मक्खन डाला है ना उसकी वजह से। तो आप लोग अंदर इस मसाले में कुछ ना कुछ जरूर डाला करें, तब भी पराठों की बेस्ट वो खुशबू आती है और टेस्ट बनता है जी। तो मज़ेदार सा पराठा रेडी हो चुका है, हम सारे पराठे इसी तरह रेडी कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा टेस्टी पराठा रेडी है। तो आप लोग इसकी लुक देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त आई है। तो आप बिल्कुल इसी तरह रेडी करें, बहुत मज़े के पराठे बनेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेर ख्याल रखिए। मेरी रेसिपी को आपने बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना है, हाथों से इसको टैप करना है तो ये फैल जाएगी। बेलने से अगर आपने बेला तो निचली साइड से भी चिपक सकते हैं। और ये जो नए लोग हैं ना, नए नए लड़कियाँ होती हैं, उनको पराठे बनाने का शौक आता है तो वो बिल्कुल इसी तरह बनाए। मैंने भी इसी तरह सीखे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, आसानी से बन जाते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।